एंटी रोमियो पर भारी पड़े सोहदे नगर थाना बाजार में एंटी रोमियो की टीम पर मजनू भारी पड़ गए। चेक इन के दौरान एक मजनू ने नगर थाने की एंटी रोमियो टीम की प्रभारी SI रिंकी गुप्ता को थप्पड़ जड़ दिया। आरोपी मजनू उमेश वर्मा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बाकी दो मजनुओं की तलाश जारी है। आपको बता दें, नगर थाने की एंटी रोमियो टीम नगर बाजार में चेक इन अभियान चला रही थी। उसी दौरान बिना नंबर की एक बाइक पर तीन युवक घूमते नजर आए। नगर बाजार में कई चक्कर लगाने के बाद तीनों युवक एक बर्गर की दुकान पर रुक गए। बर्गर की दुकान पर महिलाओं की काफी भीड़ थी। उसी दौरान एंटी रोमियो की टीम ने तीनों युवक से पूछताछ कर रजिस्टर में नाम लिखने लगी, जिसके बाद आरोपी उमेश वर्मा ने रजिस्टर को छीनकर जमीन पर फेंक दिया। उसके बाद एंटी रोमियो टीम के प्रभारी रिंकी गुप्ता गाड़ी से नीचे उतरी। गुस्साए मजनू ने एंटी रोमियो की टीम की प्रभारी को ही थप्पड़ जड़ दिया और हाथापाई करने लगा। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों के सहयोग से एक मजनू उमेश वर्मा को पकड़ लिया, जबकि दो अन्य युवक बाइक लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज, बाकी की तलाश शुरू कर दी है। जैसा कि डेली हम लोगों की एंटी रोमियो चेक इन में, जैसे मैं महिला प्रभारी एंटी रोमियो की हूँ, तो डेली चेक इन होती है इसकी। रोज की तरह आज भी मैं निकली थी चेकिंग के लिए, तो जब मैं कस्बा नगर यहीं पे मौजूद थी, चेक इन चल रही थी, तो एक बाइक जो बिना नंबर की थी, उस पर तीन लड़के थोड़ा अलग तरीके के बैठे हुए थे। वे लोग आए बर्गर की दुकान पर यहाँ पर, तो ये जो है कि वहाँ पूरी भीड़ लगी थी महिलाओं की। हम कहे देख लो ये कैसे लोग आके बाइक रोके, इनको पूछो। कई चक्कर लगा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। हम देखे, हम कहे अभी रोक लो इनको। तो जैसे हमारी टीम पूछने लगी उनसे, ये लोग बहस करने लगे। उन्होंने कहा कि देखिए हमसे मत बहस करिए, और हमारी मैडम है यहाँ पर, मैडम से पूछिए। जबकि उनको बताया भी गया कि एंटी रोमियो की चेक इन चल रही है। प्रथम से नाम पता पूछा जा रहा था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो पहले तो एक आदमी जो थोड़ा सा अलग रूडली बोल रहा था, तो उसने उमेश नाम बताया, उमेश, पिता का नाम गौरी शंकर। तो जैसे बताया तो दो एक और थे उनके साथ जो तीनों लड़के थे, तो उनसे पूछताछ होने लगी। तो वो बहस करने लगे, तो हमारी महिला सिपाही नाम पता, चूँकि तुरंत रजिस्टर पे नोट होता है, तो मैंने कहा उनका नाम नोट कर लो। जैसे वो नाम पता नोट करने गए, तो उनका रजिस्टर उठा के उन्होंने फेंक दिया। और जैसे रजिस्टर उठा के फेंका, रजिस्टर फट गया। फिर उठा गया उन्हें, तो हम नहीं जानते कुछ एंटी रोमियो टीम वगैरह क्या है, और हम थोड़ी गलती किए हैं, मतलब ऐसा कुछ बोलने लगे वो। फिर मुझे उतरना पड़ा गाड़ी से, और जैसे हमारे साथ हाथापाई शुरू कर दिए ये लोग। शासन के मंशा के अनुरूप प्राथमिकता में जो है एंटी रोमियो की चेकिंग SI रिंकी गुप्ता और अपने हमराही कर्मचारीगण के साथ कस्बा नगर में कर रही थी। वहाँ जो है तीन लड़के एक बाइक से थे, जो वहाँ बदतमीजी की तरीके से उल्टा से तरीके से वहाँ घूम रहे थे, जिनको रेक उनको चेक किया गया, उनके साथ बदतमीजी गई, उनके हाथ ऊपर हाथ छोड़ा गया, जिसके संबंध में थाना में मुकदमा पंजीकृत कर उनके खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है।